सुमित पहले चीज सैंडविच नहीं पहले सैलेड खाओ। नहीं नहीं मैं सैंडविच खाऊंगा। अरे इतनी मेहनत से बनाया सुमित। अरे यार रुको देती हूँ। हाय हाय कैसी थी शॉपिंग? बहुत रोमांचक। आज हम मार्केट में थे और पुचकू ने अचानक मुझ पर झपटा मारा और धक्का दे दिया। वो मैंने तुम्हें बताया ना पुचकी, मैंने गलती से तुम पर कबड्डी प्रैक्टिस कर दी थी। सॉरी। नहीं अच्छा ही तो है तुम कबड्डी को लेकर इतना सीरियस हो। हाँ लाइफ में अगर कहीं फंस जाओ तो कबड्डी तो काम आती है। अच्छा मैं ना चलता हूँ। एक मिनट। दाल में कुछ तो काला है। तू सिमरन पे डी ब्लॉक मार्केट के बीचों बीच कबड्डी क्यों प्रैक्टिस कर रहा था? तू तो जानता है ना कि मैं हमेशा कबड्डी प्रैक्टिस करता रहता हूं। नहीं मैंने तो कभी नहीं देखा। तो अब देख ले। कबड्डी 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 कबड्डी। कुछ तो गड़बड़ है। कितनी बार तुम लोगों के घर आ चुकी हूँ पर जब भी मैं रजनीश से कहती हूँ मुझे नीचे ले चलो मम्मी जी से मिलाओ तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और बोलती एकदम बंद। मम्मी जी के नाम से अक्सर यही होता है। हाँ आज मार्केट में मम्मी जी दिख गई थी हमारी तरफ आते हुए इसलिए मुझे लगता है पुचकू ने मुझे दुकान के अंदर धकेल दिया। वो कबड्डी प्रैक्टिस नहीं थी। You know what? सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। सुमित तुम्हारे भैया सिमरन को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अब रजनीश की हिस्से की डांट मुझे क्यों पड़ रही है? सिमरन तुम चिंता मत करो मैंने फैसला कर लिया भैया से सुमित बात कर लेगा। सच? आप बात करेंगे उनसे? हाँ, नहीं मैं थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो मैं क्या करती तेवर जी होने वाले। जाइए बात करिए तेवर जी। और मनु हेलो माया क्या हुआ? फोन पे कह रहा था तुझे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? हाँ जरूरी बात। बैठ ना। पानी पिएगा? नहीं शरबत है क्या? हाँ गुलाब वाला या ऑरेंज वाला? गुलाब ऑरेंज मिक्स कर दे। जाने मन थोड़ा सा शरबत। जरूरी बात। हाँ पूछ। वो ये जो वो शरबत में बर्फ लेगा क्या? बस बहुत हो गया। पूछो भैया से कि वो सिमरन को मम्मी जी से क्यों नहीं मिलाते। मैं तू सिमरन को मम्मी जी और से पूछो कि अगर उन्हें सिमरन पसंद नहीं थी तो इतने दिनों से उसे घुमा क्यों रहे थे? हाँ सिमरन पसंद नहीं थी तो और पूछो कि उन्हें शर्म नहीं आती ऐसे बिहेव करते हुए? यार तुम ही पूछ लो ना मुझे बीच में शो के लिए क्यों रखा हुआ है? ऐसे टेंस मोमेंट्स के लिए मेरे पास एक टोटका है शवासन। भैया क्या कमी है सिमरन में? माया पुचकी में कोई कमी नहीं है कमी बस मेरी किस्मत में है।
मतलब? मतलब मम्मी जी ने अगर पुचकी को देख भी लिया ना तो मुझे उसे हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय करना पड़ेगा। पर क्यों? भैया मेरी पहली शादी होते होते टूट गई, तब से मम्मी जी को मेरी पसंद पे भरोसा ही नहीं है। पर भैया आप मम्मी जी को समझा भी तो सकते हो ना। सॉरी। अब तो बस रम की बोतलें इकट्ठी कर रहा हूं गम में देवदास बनने के लिए। एक तरीका है, अगर मम्मी जी सिमरन को पसंद करे तो। मतलब? मतलब मैं यहां एक डिनर रखूंगी, मम्मी जी सिमरन से मिलेंगी और उसे खुद पसंद कर लेंगी। सोनू मम्मी जी की नाक बॉम्ब स्क्वाड के कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, वो सारा फ्रॉड सूंघ लेंगी। भाग सोनू भाग। और जब मम्मी जी को ये पता लगेगा कि मैं पुचकी को जानता हूँ तब? मम्मी जी को ये पता लगेगा ही नहीं क्योंकि आप सिमरन को जानते ही नहीं। मैं पुचकी को नहीं जानता। आपको ऐसी एक्टिंग करनी होगी ताकि मम्मी जी को लगे कि सिमरन उन्हीं की पसंद है, आपकी नहीं। कमाल का आइडिया माया, कमाल का। गई भैंस पानी में। आप फिक्र मत कीजिए, सुमित नीचे जाके मम्मी जी को डिनर के लिए इनवाइट करेगा और उनसे कहेगा कि माया की बहुत अच्छी दोस्त आ रही है जो सुंदर सुशील घरेलू टाइप है, बिल्कुल आपके लिए सही। मेरे गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मनु, भल्ले खाएगा? पापा जी ये क्या रायता फैला रखा है? रायता नहीं, कुकुरमुत्ता। कुकुर क्या? कुकुरमुत्ता, यानी कि जिसपे कुत्ता मुत्ता है ना वो, यानी कि द मशरूम। अबे मैंने ना घर पे इसकी फार्मिंग शुरू कर दी है, तेरा बाप ना थोड़े ही दिनों में दिल्ली का द किंग ऑफ द कुकुरमुत्ता बनने वाला है। पर क्यों? अबे बिट्टू भाटिया ने बताया कि कुकुरमुत्ते बेच बेच के लोग ना अरबपति होते जा रहे हैं। मैंने है ना पूरे घर को सजा देना है विद द खेती ऑफ कुकुरमुत्ता। अच्छा है, आज रात को ना मैं मसाला मशरूम बनाती हूँ। हाथ मत लगाइयो मेरे कुकुरमुत्ते को, इसकी वैल्यू तुझसे ज्यादा है। और मेरे भल्लों की वैल्यू ना तुमसे ज्यादा है। नहीं मिले, भूखे रहो। टॉली, ये मेरे भल्ले हैं, इन पे मेरा नाम लिखा है। वैसे मम्मी जी पापा जी माया और मैं सोच रहे थे क्यों ना आप आज रात का डिनर हमारे यहाँ करें। माया फ्रिज से बासी खाना निकलना चाहती है। नहीं मम्मी जी आप भी ना। अबे डॉली फ्री फंड का खाना मिल रहा है, सोच क्या रही है? हाँ कर दे। डिनर पे माया की एक फ्रेंड भी आ रही है। अच्छा, तू रहने दे, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मम्मी जी बहुत ही अच्छी लड़की है, सुंदर सुशील घरेलू। अब क्या फायदा, तूने तो माया से दो बच्चे भी पैदा कर लिए। अरे मम्मी जी मैं तो सोनू के लिए कह रहा था। सोनू के लिए नहीं चलेगी। क्या क्यों, आप तो उससे मिली भी नहीं। माया से तो मिली हूँ ना, माया की दोस्त उसके जैसी ही होगी। पर मम्मी जी एक बार आप देखो, ऐसी लड़की से मिलने से क्या फायदा जो कढ़ाई देख के चौंक जाए, है ना? देख आदमी शादी किस लिए करता है, ताकि घर में आराम से बैठ के ना एक प्लेट राजमा चावल खा सके, है कि नहीं? पर मम्मी जी सिमरन क्या खाना बनाती है, मैंने खुद अपने हाथों से खाया है। मम्मी जी सारे गुण हैं उसमें, खाना बनाना, घर सजाना, जागरण करना, बच्चों को संभालना, मतलब दूसरों के, और तो और वो कथक भी जानती है, और उसके हाथ का राजमा आए हाय हाय। राजमा? अरे हिंदी भाषा में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताओ, जब हमने उसे सोनू की टूटी हुई शादी के बारे में बताया तो वो डर के भागी भी नहीं। आप बात कर रहे हैं, कमाल की लड़की है, बहु सेलेक्टेड। भगवान ने मेरी सुन ली, चलो अच्छा है, मेरा सोनू ना अब कवारा नहीं मरेगा। सिर्फ एक बात का डर है, तेरी माँ से मिलते के साथ ही कहीं भाग ना जाए। अरे अब तो भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिमरन खाना तो बनाती हो ना तुम।
ओके, डिनर रेडी है, टेबल सेट है। मम्मी जी पापा जी कहाँ रह गए? अच्छा सुमित, वाइन ग्लासेस रख दो। अरे हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है पुचकी जी। हाँ मैं आपको जानती हूँ क्या? मैं तुम्हारा पुचकू, पुचकी। भूल गए पुचकू, हम दोनों को एक दूसरे को नहीं जाने की एक्टिंग करनी है। ओ हाँ, माफ करना देवी जी, मुझे लगा कि मैं आपको जानता हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पुचकू, फाइनली मैं मम्मी जी से मिल रही हूँ, लेकिन डर भी बहुत लग रहा है। मैं उन्हें पसंद आऊंगी ना जी? आपने मुझसे कुछ कहा देवी जी? पुचकू मैं अभी एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। ओके ओ वैसे मम्मी जी का तुम क्यों अच्छी नहीं लगोगी? आखिर कमी क्या है तुम में? राजमा। सिमरन तुम्हें राजमा बनाना आता है ना? हाँ घर पे मम्मी बनाती है, मैंने उन्हें कई बार देखा है बनाते हुए। लग गए। क्या लग गए? पौधों में फूल लग गए। अरे वाह क्या बढ़िया टेबल क्लॉथ है, कितना अच्छा टेबल सजाया है। माया खाना बनाने में चाहे कैसी भी हो पर ये सजावट में ना एकदम टिप टॉप होती है तू। थैंक यू मम्मी जी। बोलो। हाँ मम्मी जी इनसे मिलिए, ये है सिमरन, माया की खास दोस्त। मम्मी जी हम अभी अभी मिले, इससे पहले कभी नहीं मिले, कभी भी नहीं। बेटा कैसी है तू? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आपके बारे में भी पुचकू ने मुझे बहुत बताया है। पुचकू कौन? पुचकू इनके मामा जी के ताऊ जी के भतीजे के साले आपके साथ सत्संग में कई बार आते हैं, प्यार से लोग उन्हें पुचकू पुचकू बुलाते हैं। वाह सत्संगी फैमिली है। बढ़िया बढ़िया। हाँ सच में मेरे मम्मी पापा बहुत ही धार्मिक टाइप के हैं। पर बेटा हम सब तो यहाँ पर कार्मिक टाइप के लोग हैं, मतलब कर्म करने में विश्वास रखते हैं। हेलो आई एम द जसबीर दिवालिया द ग्रेट प्रो टाइप राइटर ऑफ द मैजिक ऑफ द मशरूम कंपनी अनलिमिटेड। क्या आपने, क्या आपकी फैमिली ने कभी कुकुर मुत्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, सोचा है, सोच रहे हैं? मशरूम, एक फ्री सैंपल फ्रॉम माय साइड टू योर साइड। थैंक यू। ओहो अब बिचारे पे मशरूम मत थोपो। माया मेरे साथ किचन में चलना, वो दाल गलानी है। पर मैंने तो कॉन्टिनेंटल खाना बनाया ना मम्मी जी, तो वो माया ओ वो वाली दाल। हाँ हाँ चलिए ना चलिए, आप लोग शुरू कीजिए। दिस लेडी नो बिजनेस सेंस। माया हाँ मुझे लड़की पसंद है। सच? लेकिन आपने तो उससे ठीक से बात तक नहीं की। शादी से पहले तुझसे बात की थी ना, बातों से क्या फर्क पड़ता है ना। वैसे मैं ना इंसान को सूंघ के जान लेती हूँ उसकी असलियत, और इसमें संस्कारी महक आ रही है। मम्मी जी आपने सही सूंघा, बहुत ही अच्छी लड़की है सिमरन, है ना? हाँ अरे काली मरी यही रह गई, मैं देख आती हूँ। क्या हुआ? पापा जी को प्याज चाहिए। कॉन्टिनेंटल के साथ प्याज? पापा जी का बस चले ना तो वो प्याज का जूस निकाल के पिए। तू कल फ्री है? मैं ना सिमरन को मेरे घर पे बुला रही हूँ खाना खाने के लिए, और उससे ना राजमा बनवाऊंगी। राजमा? हाँ तूने तो खाता ना, अच्छा खाना बनाती है। बिल्कुल अच्छा खाना बनाती है, और अगर नहीं बनाती है तो बनाना सीख जाएगी। बनाना सीख गई समझिए। माँ से झूठ बोल रहा है ना तू? ये मेरा प्लान नहीं था, ये माया का प्लान था। उसने कहा था कि आप पुचकू पुचकी को मिलने नहीं दोगे। कौन है ये पुचकू पुचकी? कौन है ये पुचकू पुचकी? मैं बता नहीं सकता हूँ, माया मेरा मर्डर कर देगी। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी?
कौन हूँ, पूछ पूछ की कौन हूँ, कौन बताओ बताओ, कुछ कुछ की मतलब रजनीश और सिमरन, आपको याद है ना वो लड़की जिसको रजनीश फूल देने के लिए गया था, ये वही है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेटा, ये कुकुर मुत्तों का बिजनेस है ना, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, इसमें 10 रुपए लगाओ 100 रुपए ले जाओ, गारंटेड। जी बहुत ही अच्छा आइडिया है। आइडिया? अरे सबसे अच्छे आइडिया तो माया देती है। इसका नाम तो माया जाल होना चाहिए था। जी और सुनो, तू कैसी लगी ये लड़की? जी काफी शरीफ लग रही है देवी जी। शरीफ? तो देवी जी आप खाना बनाना तो जानती होंगी। जी हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी क्या बात है। अच्छा तो देवी जी बताइए राजमा कैसे बनाते हैं? जी बहुत ही आसान है, पहले राजमा को भिगो दो, फिर टमाटर काट के, नहीं नहीं आराम से बोलना बेटा, उसके पहले प्रेशर कुकर में 4-5 सीटी, नहीं पहले प्याज अदरक काट के, फिर ऊपर से नमक, चाट मसाला। राजमा बना रही हो या चाट बना रही हो? मम्मी जी इसे अच्छे से आता है, वो थोड़ी नर्वस हो गई है और कुछ नहीं। बस बस करो नाटक, मोनू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये शरीफ देवी जी नहीं, सोनू की गर्लफ्रेंड है। सोचता हूं थोड़ा सा शवासन कर लूं। ना सच बोलना आता है ना राजमा बनाना आता है, धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। सोनू आज से इस लड़के से मिलना बंद। बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरे को ना कभी भी मिलने आ सकती है चेक लेके। पर मम्मी जी सिमरन बहुत ही अच्छी लड़की है। सोनू चुप कर तू, चलो जी चलते, चलो। पागल हो गए क्या? पहले खाना खाऊंगा उसके बाद जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ, ना भरते में नमक है ना बिरयानी में मटर है, तुमको खाना है ना तो खाओ। मम्मी जी आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए ना। रहने दो सुमित, इन्हें जाना है तो जाने दो, और सिमरन तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, अपनी जान बचा के भाग लो, ऐसी खूंखार टाइप के सामने तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। क्या बोली तू, क्या बोली? हाँ माया तू थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो। ये बाबा गनूश है, एक लेबनीज डिश, और ये है सी फूड पाइया, एक स्पैनिश डिश। ये बैंगन भरता और बिरयानी नहीं है। लेकिन आपको तो सिर्फ नुक्स ही नजर आती है, किसी की मेहनत नजर ही नहीं आती। वो एकदम ठीक कह रही है बेटा, इसने है ना मेरे कुकुर मुत्तों की भी कभी कदर नहीं की है। आप जानती हैं हमने आपको झूठ क्यों कहा? क्योंकि हमको पता था कि आप सिमरन में भी कोई ना कोई फालतू नुक्स निकालेंगी ही। मैं ये सब नहीं जानती, मैं इसे पसंद नहीं करती बस। पता था मुझे कि यही होगा, आखिर आपने मेरे प्यार के गुब्बारे की हवा निकाली थी ना मम्मी जी। चलो बुचकी, बहुत हुई जलालत। तू कहाँ जा रहा है? अब मुझे आपकी परमिशन की और अपने धोखेबाज भाई की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अबे तुम मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? मैं तो तेरी मदद कर रहा था। हाँ देख ली तेरी मदद, जलता है तू मेरी खुशी से, तभी तूने मम्मी जी को जाके सब कुछ बोल दिया। अबे सारे फसाद की जड़ है ना ये है डॉली माँ। विभीषण की दुम, मेरी दही कचौड़ी खा के ये बोल रहे हो तुम? सिमरन सिमरन तू यहाँ कहाँ चली जा सिमरन, वरना मेरे दही कचौड़ी खाकर हो जाएगी। तू हमेशा कहता है मैं तुझसे चलता हूँ। अरे मम्मी जी गलत कर रहा है, मम्मी जी गलत कर रहा है। अरे इस बार मम्मी जी पहले राजमा को ओवरनाइट सिखाओ, प्याज टमाटर लहसुन काटो, फिर राजमे को 10 मिनट के लिए कुकर में पकाओ, फिर उसके मसाले के लिए तेजपत्ता दालचीनी और लौंग भून कर डालो, फिर राजमे को कांदे के साथ पकाओ जब तक उसका रंग ना चढ़े, ऊपर से डालो नमक गरम मसाला लाल मिर्च और जीरा पाउडर, फिर टमाटर काट के डालो और टमाटर तब तक पकाओ जब तक पूरी तरह से पकना जाए, ऊपर से धनिया और स्वाद के लिए थोड़ी सी मलाई।
मम्मी जी आई एम सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कभी पसंद करेंगी कि नहीं। मुझे बस इतना पता है कि पुचकू और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मलाई तो राजमे में मैं भी डालती हूँ। अच्छा बेटा एक बात बता, तू सिर्फ राजमा बनाना जानती है या मटन चिकन में भी तेरा हाथ सेट है? पापा जी मेरे घर पे तो सब वेजिटेरियन है। तेरी है। लेकिन आपके लिए मैं सब कुछ पकाऊंगी। अबे पसंद है लड़की पसंद है। चलो जो भी हुआ लेकिन एंड तो हैप्पी था ना। सोनू तूने ना एकदम सही लड़की ढूंढी है। चलो अच्छा घर में कम से कम एक तो बहू होगी जो खाना बनाना जानती होगी। माया माया मैं तो कहता हूँ तुम भी थोड़ा सा शवासन ट्राई कर लो। Bum 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 b